सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का 17th लेक्चर होने वाला है, जो हम लोग डेली 10 इंपॉर्टेंट वोकैब्स कर रहे हैं। और इस वीक का ही आज आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि आपको पता है कि संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं। इसका मतलब है आज सैटरडे, यानी कि आज आप लोगों का आखिरी दिन, और कल होगा आप लोगों का पूरे वीक में जितने भी हम लोगों ने 60 वोकैब्स किए हैं इसको मिला के उनका टेस्ट। वोकैब्स जो हैं रैंडमली उठाए जाएंगे, और तकरीबन 15 वोकैब्स का टेस्ट होता है और 2 वन वर्ड्स होते हैं। और ये 15 जो वर्ड्स हैं, ये वोकैब्स हैं, ये कहीं से भी पिकअप कर लिए जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज जितने भी अभी आप लोगों को वोकैब्स दिए गए हैं इस वीक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला वर्ड है विट्रियॉल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंगर या फिर अपशब्द कहना, या किसी को बुरा भला कहना, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। यहाँ से विट से निकाल लो विटामिन, और रियॉल से हम जो अभी हमने प्रोनाउंस किया तो रॉयल करके आ रहा है, तो इसको इससे हम निकालेंगे ऑयल। विट्रियॉल से हम बनाएंगे इसको विटामिन ऑयल। विटामिन ऑयल लेकर वो विट्रियॉल हो गया, यानी कि वो गुस्से से भर गया और अपशब्द कहने लगा। तो आप कुछ ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोई बंदा है या फिर कोई बंदा है, उसने विटामिन ऑयल लगाया अपने सिर पे और उसका सिर जो है मतलब गर्म हो गया, क्योंकि विटामिन ऑयल बहुत गर्म होता है, तो उसका सिर गर्म हो गया और वो गुस्से से भर गया और अपशब्द कहने लगा, ठीक है। विटामिन ऑयल, विट्रियॉल। हमारा अगला दूसरा वर्ड है आज का एग्रेवेट। सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग लिख लेना, जो लोग इंपॉर्टेंट स्पेलिंग जो मैं आपको डेली बताता हूँ वो लिख रहे हैं, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डबल जी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिगाड़ देना, फिर चीज़ों को और ख़राब कर देना, टू मेक थिंग्स वर्स, तो ठीक है वर्सन। याद करने की इसको ट्रिक है, आगरा में सब एग्रेवेट हो गया, आगरा में सब एग्रेवेट हो गया। तो कुछ ऐसे इमेजिन करना है कि मान लीजिए फिर CAA जो कि प्रोटेस्ट हुए, या फिर कोई भी ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि आगरा में सब जो है चीज़ें और ख़राब हो गई, चीज़ें और बिगड़ गई, तो एग्रेवेट से हम निकालेंगे आगरा, ठीक है। एग्रा से निकालेंगे आगरा, और आगरा में सब ख़राब हो गया, यानी कि एग्रेवेट हो गया। तो एग्रेवेट का मतलब होगा बिगाड़ देना या फिर चीज़ों को और ख़राब कर देना, टू मेक थिंग्स वर्सन, टू मेक थिंग मोर वर्स। हमारा अगला वर्ड है विसियस। विसियस का मतलब होता है आलोचना करना, या फिर ब्रूटल, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है क्रूअल। और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ब्रूटल या फिर क्रूअल, जो बहुत ही निर्दयी आप बोल सकते हो। याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है, विष देने वाला आदमी विसियस। तो विसियस से विष आ रहा है ना, विष यानी कि जहर, और जहर कौन देगा? जो क्रूअल होगा, जो ब्रूटल होगा, ब्रूटल मतलब खतरनाक, जो दूसरों को मारने पे तुला हो, क्रूअल कौन? जो निर्दयी हो। तो विष कौन देगा, जहर कौन देगा? ऐसे ही आदमी तो देगा, तो विष देने वाला आदमी विसियस, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है बटरेस। ये इसकी भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, TT और SS। तो जहाँ पे दो लेटर्स दो दो बार आ रहे हैं, तो वो तो और ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इसका पहले मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है सहारा देना, या फिर टू सपोर्ट। इसको याद करने की ट्रिक है, बटर खाकर बटरेस मिल गया, यानी बटर खाकर सपोर्ट मिल गया। तो जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये पीनट बटर इसको बोलते हैं। जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को पता होगा इसके बारे में कि पीनट बटर एडवाइजेबल होता है, क्योंकि पीनट बटर में आपको प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, यानी कि सहारा मिलता है बॉडी को, ठीक है। तो उससे आप इस शॉर्ट स्टोरी से आप इसको इमेजिन करके याद रख सकते हो, बस बटरेस, सिंपल बटर आना चाहिए, और बटर जैसे आपका आ गया दिमाग में, तो जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई वो आपके दिमाग में आ जाएगी और आप इसका मीनिंग बता देंगे। हमारा अगला वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना, टू इंसाइट समवन। इसको याद करने की ट्रिक है, ड्यूरिंग वोकेशन वो करता है प्रोवोकेशन, यानी कि छुट्टियों में वोकेशन में वो प्रोवोकेशन करता है, यानी दूसरों को उकसाता है, इंसाइट करता है लड़ने के लिए, ठीक है, फिर किसी चीज़ के लिए उकसाता है। बस आपको ऐसे याद रखना है, प्रोवोकेशन यानी कि वोकेशन, जब वोकेशन होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो वो दूसरों को उकसाता है, तो प्रोवोकेशन का मतलब हो जाएगा इंसाइट या फिर उकसाना। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जो हम लोग कर रहे हैं वो कैप्स इन ये लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा उसमें भी, तो आपके मोबाइल में या फिर जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें टेलीग्राम ऐप होना ज़रूरी है, ताकि आप चैनल को ज्वाइन कर सकें और जितने भी PDFs मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सब उनका लाभ आप उठा पाएँ। 6th वर्ड है हमारा सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना या फिर डर्टी, गंदा। इसको याद करने की ट्रिक है, माई सर डिड सॉर्डिड थिंग। माई सर डिड सॉर्डिड थिंग, यानी मेरे सर ने घिनौनी चीज़ की या फिर गंदी चीज़ की,
ठीक है, माई सर डिड सॉ डिड थिंग, बहुत ही आसान है ये तो, क्योंकि इसके नाम से ही हमने आपको ट्रिक बता दिया, सर और डिड। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब होता है मनगढ़ंत या फिर इल्यूजन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इल्यूजन का यानी कि जिसका सच्चाई से लेना देना नहीं है, बस वो माइंड में ही एग्जिस्ट करता है, या फिर इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब यही होता है, जैसे कि हमें जो आसमान है, आकाश है, वो नीला दिखाई पड़ता है, ये इल्यूजन है, क्योंकि आकाश नीला है ही नहीं। आकाश का जो असली रंग है वो काला है, लेकिन हमें नीला दिखाई पड़ता है, ये एक इल्यूजन है। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है पिग प्लस मैन इज़क्वल टू फिगमेंट। तो अगर हम देखें तो फिगमेंट, फिगमेंट, तो पिग मैन आपको ऐसे निकालना है, जैसे हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं फिगमेंट, तो ऐसे ही हम इसी उसी से निकालेंगे पिग और मैन। ठीक है, और इसी वजह से पिक्चर भी यहाँ पे लगाइए ताकि आप और आसानी समझ सकें। तो ऐसे जो लोग होते हैं पिग और मैन, ये इल्यूजन होते हैं। अब इल्यूजन का मतलब क्या है? कि क्या ऐसे लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जो आधे पिग हों, सुअर हों और आधे इंसान हों, क्या ऐसे एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ इल्यूजन है। ठीक है, नहीं सच्चाई से लेना देना नहीं। तो इस वजह से फिगमेंट का मतलब हो जाएगा इल्यूजन या फिर मनगढ़ंत। हमारा अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है तेज बुद्धि या फिर मेंटल कीनेस। कि अब आपको पता है कीन का मतलब क्या होता है? शार्प होता है, तो यानी कि मेंटली बहुत शार्प है वो। ठीक है, अ फ्यू मैन हैव एक्यूमेन, तो आपको कैसे करना है? जैसे एक्यू से अ फ्यू लग रहा है, लग रहा कि नहीं? एक्यू अ फ्यू, और मैन से मैन, यानी कि सिर्फ कुछ ही लोग ही होते हैं तेज बुद्धि वाले। ये बात बिल्कुल सही भी है, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर पे देख पा रहे हो, ये इस लड़के का नाम कौटिल्य है, आप में से बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। इसकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प है, कुछ भी बता देता है। ठीक है, तो सिर्फ क्या ये मामूली यानी नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, फिर कुछ ही आदमी ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। इस वजह से अ फ्यू मैन हैव एक्यूमेन, यानी सिर्फ कुछ ही आदमियों की तेज बुद्धि होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, अक्यूमेन से हमने अफ्यूमेन निकाल लिया। ठीक है, हमारा अगला वर्ड यहाँ पे है एक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीव्र या फिर बहुत तेज, फास्ट। याद करने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है, अक्यूट गर्ल्स फेसेस एक्यूट पेन, यानी कि एक क्यूट सी गर्ल है जो जिसको बहुत तेज दर्द हो रहा है। फेसेस का मतलब वो फेस और चेहरा वाला फेस नहीं है, फेस का मतलब किसी चीज़ का सामना करना, वो वाला फेस है यहाँ पे। ठीक है, सो अक्यूट गर्ल्स फेसेस अक्यूट पेन, यानी कि उसको तेज़ दर्द हो रहा है एक क्यूट गर्ल को। ठीक है, अक्यूट से हमने अक्यूट निकाल लिया। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे अडेज। इसका मतलब होता है कहावत या फिर प्रोवर्ब। इसको याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है, एज्ड पीपल गिव अडेज इन ओल्ड एज। तो हमने यहाँ से अडेज से एज्ड निकाला। एज्ड का मतलब क्या होता है? जो लोग बूढ़े होते हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि एज्ड पीपल गिव अडेज इन ओल्ड एज, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो कहावतें ज़्यादा कहते हैं, प्रोवर्ब्स ज़्यादा कहते हैं बुढ़ापे में। और ये बात बिल्कुल सही भी है, कहावतें बहुत कहते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, कौन ज़्यादा कहता है? ऐसे जो बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि जो एज्ड लोग होते हैं। तो अडेज से हमने निकाला एज्ड, और एज्ड पीपल क्या देते हैं? ज़्यादा कहावतें कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो अडेज का मतलब हो जाएगा कहावत या फिर प्रोवर्ब। तो अब यहाँ पे हमारे 10 वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, और अब आता है टाइम रिविजन का। इस रिविजन में आपको जो है खुद पुश करना पड़ता है, और आपको कमेंट में अपना स्कोर बताना होता है कि 10 में से आप कितने वर्ड्स रिकॉल कर पाए। तो ये हमारा आ गया रिवीजन वाला सेक्शन, और यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो हमने अभी किए हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में, उस ऑर्डर में नहीं है, ताकि आपको उतनी आसानी से याद ना आए चीज़ें, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़े। यहाँ पर जानबूझ के इधर उधर वर्ड्स को मिक्सअप किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, और आपको इसको अटेम्प्ट करने के बाद बताना है कमेंट में आप कितने रिकॉल कर पाए। ठीक है, प्रोवोकेशन का बताइए, प्रोवोकेशन को हमने कैसे याद किया था? हमने इसको याद किया था कि वो वोकेशन पे, वोकेशन पे छुट्टियों पे वो सबको उकसाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा उकसाना, या फिर टू इंसाइट समवन। इंसाइट का मतलब ही उकसाना होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा वो। सॉर्डिड, सॉर्डिड का हमने कैसे याद किया था? इसको हमने ऐसे याद किया था, माई सर डिड डर्टी थिंग्स, यानी मेरे सर ने गंदी चीज़ें की। तो सॉर्डिड का मतलब हो जाएगा गंदी चीज़, घिनौनी चीज़ या फिर डर्टी। ठीक है, हमारा अगला वर्ड यहाँ पे फिगमेंट। फिगमेंट को हमने कैसे याद किया था? हमने इसको याद किया था, फिग से हमने निकाला था पिग, और मेंट से निकाला था मैन, यानी कि
सुअर और आदमी, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही आदमी सुअर भी हो और आदमी भी हो? ना, तो इसका मतलब है ये इल्यूजन है, तो इस फिगमेंट का मतलब हो जाएगा इल्यूजन, ठीक है? ILLUSION, इसकी स्पेलिंग आप याद रखिएगा। अक्यूमेन, अक्यूमेन को हमने कैसे याद किया था? इसको हमने याद किया था अफ्यूमेन, अफ्यूमेन हैव शार्प मेमोरी, यानी सिर्फ कुछ ही लोगों की तेज बुद्धि होती है, तो अक्यूमेन का हो जाएगा तेज बुद्धि, ठीक है? अगला है हमारा अक्यूट, अक्यूट को हमने कैसे याद किया था? तो अक्यूट गर्ल फेसेस सेवियर पेन, ठीक है? यानी कि एक क्यूट गर्ल, या फिर अक्यूट गर्ल फेसेस अक्यूट पेन, यानी कि एक क्यूट गर्ल को बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, ठीक है? अक्यूट गर्ल फेसेस अक्यूट पेन। और अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है रिकॉल, तो आप सिंपल फिर से पीछे जाइए और देख लीजिए कि कैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अब बटरेस का मतलब क्या होता है? बटरेस को हमने याद किया था बटर से, बटर क्या दे रहा है? शक्ति दे रहा है, सहारा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ठीक है? पीनट बटर जिम वालों को, ठीक है? या फिर आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। तो बटरेस का मतलब हो जाएगा सहारा देना, है फिर टू सपोर्ट, ठीक है? अगला है हमारा विसियस, अब विसियस, विस इसको हमने याद किया था विश से, अब विश कौन देता है? जो क्रूअल होता है, जो ब्रूटल होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्रूअल या फिर ब्रूटल। अगला हमारा वर्ड है रिप्रूव, रिप्रूव को हमने कैसे याद किया था? तो ये शायद हमने वर्ड आज किया ही नहीं है, ये गलती से यहाँ पे लिख गया है, इसकी जगह आप करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अडेज करिए आप इसकी जगह। अब बताइए अडेज, अडेज कैसे कैसे हमने याद किया था? तो इसको हमने याद किया था एज्ड से, एज्ड पीपल गिव अडेज, यानी कि वो कहावतें ज़्यादा कहते हैं या फिर प्रोवर्ब्स ज़्यादा कहते हैं, तो अडेज का मतलब हो जाएगा कहावतें या फिर प्रोवर्ब्स। एग्रवेट, एग्रवेट को हमने कैसे याद किया था? इसको हमने रिलेट किया था आगरा से, आगरा में चीज़ें और ख़राब हो गई, यानी कि टू मेक थिंग्स वर्स, चीज़ों को और ख़राब कर देना एग्रवेट का मतलब, ठीक है? अगला हमारा वर्ड है विट्रियॉल, विट्रियॉल को हमने कैसे याद किया था? इसको हमने याद किया था विटामिन ऑयल से, विटामिन ऑयल लगाने के बाद उसका सिर गर्मा गया और वो गुस्से में आ गया, नहीं एंगर, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगर या फिर गुस्सा। तो अब बताइए मुझे जल्दी से आप कितने वर्ड्स रिकॉल कर पाए 10 में से, उसके बाद मैं आपको देता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने अपना आंसर कॉमेंट में लिख दिया होगा, यानी कि आंसर नहीं बल्कि कितने आपके सही हुए। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन ऑफ द डे का।